हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल. गुड मॉर्निंग शिवाजी, सुलग्ना, साहिल, सिमरन, आकांक्षा, मीनाक्षी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल. तो आई होप सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ही बेहतर हैं और दिन की शुरुआत आपकी बहुत ही ज़बरदस्त गई होगी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए सेशन में फटाफट से. हाँ, ये जो हमारा क्लास है इस वीक 11:15 पे शेड्यूल है, तो 11:15 शार्प आप यहाँ पे आ जाइए. तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए 11:15 पे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सेशन को शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें. तो फटाफट से सेशन में जुड़ जाएं, क्योंकि कल जो हमारा सेशन अधूरा रह गया था उसी को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इशू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं. तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के. तो पहले तो आप लोग जुड़ जाओ आराम से और कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में. नंबर सिस्टम के अंदर टाइप्स और नंबर जाने थे. एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे दूंगा कि हमने कल क्या किया था, फिर उसके बाद आज हम क्वेश्चंस करेंगे. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए देखो, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करी थी कि भाई नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं. तो हमने नंबर्स को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. बस सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है. सबसे पहले नंबर्स क्या है, सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास, दैट आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं. रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं. एक होता है रियल हमारे पास रेशनल नंबर, एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर. देखो, रेशनल नंबर नाम से ही समझ में आ रहा है. रेशनल का मतलब ऐसे नंबर्स जो कि मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर. एंड इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकता. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाएं. इतना समझ में आ गया आप लोगों को. रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. इंटीजर्स के अंदर आते हैं हमारे होल नंबर्स. होल नंबर्स के अंदर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर. देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, वन से स्टार्ट होता है. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन होता है, सर जो हमारा नेचुरल नंबर है क्या वो जीरो भी है. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हमारा वन से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से. अगर उसमें मैं जीरो भी इंक्लूड कर देता हूँ तो सारे के सारे जो नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर ऑल होल नंबर्स. बस होल नंबर नेचुरल नंबर इतना सा अंतर है कि भाई होल नंबर में एक जीरो भी होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. सिंपल. उसके बाद इंटीजर्स के बारे में हमने बात करी थी कल. इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर भी हैं और साथ में क्या है वो होल नंबर्स भी हैं विद नेगेटिव वैल्यू. जैसे कि नेगेटिव 1, 2, 3, ये सारे जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स भी कहलाएंगे. यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, दीज आर ऑल इंटीजर्स. सिंपल. उसके बाद रेशनल नंबर्स क्या है भाई, ये सारे के सारे जितने नंबर मैंने बताए ये सब क्या है, रेशनल नंबर. रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, जिसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकूं, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर. तो एक एग्जांपल है जैसे कि 2/3, 4.5. जरा कमेंट सेक्शन में मुझे एक रेशनल नंबर का एग्जांपल दीजिए, जरा फटाफट से मुझे एक रेशनल नंबर का एग्जांपल दीजिए. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, टेल मी. ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि पता होनी चाहिए. एन एग्जांपल ऑफ अ रेशनल नंबर.
बताइए भाई, एनीवन, किसी को भी नहीं पता क्या? बताएं। 5/7, 1/2, ओके ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकूं, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देखो फाइव, फाइव क्या है? फाइव इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि मैं फाइव को कैसे लिख सकता हूँ, 5/1 इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरह से पी अपॉन क्यू का फॉर्म है, सिंपल। ये मैंने चीजें कल बता रखी हैं। अब इरेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर इरेशनल? ऐसे नंबर जिनको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लिख सकूं, दैट आर कॉल्ड इरेशनल। जैसे कि अंडर रूट थ्री, आप सभी को पता है रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.73, इस तरह से ये चीज चलती चली जाती, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो सच टाइप ऑफ नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है, दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी थी कुछ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर। व्हाट आर एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज? देखो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर हमें हमारे पास जीरो होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। जैसे कि थ्री की पावर जीरो है, वो क्या हो जाएगी भाई, वन हो जाएगी। टू की पावर जीरो है, ये भी हमारे पास वन हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर वन थी हमारे पास। सेकेंड थी x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर m, यानी कि अगर हमारा बेस सेम होगा, बेस किसे बोलता हूँ मैं, बेस बोलता हूँ इसको, जैसे कि 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज अ बेस और 3 इज द पावर। अगर 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 5 है, तो यानी कि हमारे पास जो बेस है दैट इज सेम, यानी कि दोनों जगह 2 है, पावर क्या है 3 एंड 5, तो जब भी बेस सेम होता है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं, तो पावर आपस में एड अप हो जाती हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 5, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 8, ठीक है। बिल्कुल अभी हम इस पे क्वेश्चन आगे वही करवाएंगे, पहले जो कल का जो मैंने बताया है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मधु, कोई बात नहीं, अब आप जुड़ जाओ। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर m, यानी कि अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड में होती हैं, यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, जब भी डिवाइड में होती है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, यानी कि वहां पे क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि 3 टू दी पावर 5 माइनस 2। बस इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा बेस है, बेस में किसे बोल रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, बेस क्या है 3, बेस हमारा सेम होना चाहिए, बेस शुड बी सेम, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 5 माइनस 2, यानी कि 5 की पावर, सॉरी 3 की पावर 3, ठीक है, दिस विल बी 3 की पावर 3, बात समझ में आ गई। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब पावर के ऊपर पावर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी पावर के ऊपर पावर होती है कुछ इस तरह से, इससे क्वेश्चन भी बना है, पावर के ऊपर पावर है और साथ में लगा है ब्रैकेट, जैसे कि 2 की पावर 2 उसकी पावर 3, जब भी ब्रैकेट लगा होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि 2 इंटू 3 हम कर देंगे, दिस विल बी 2 की पावर 6। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेम विदाउट ब्रैकेट लिखा है, जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3, अगर इस तरह से लिखा है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, ऊपर से, यानी कि 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे पहले, दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 8, तो दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, विदाउट ब्रैकेट एंड विद ब्रैकेट, आंसर इज 2 टू द पावर 6 एंड हियर इट इज 2 की पावर 8, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताओ, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, इसको कैसे लिखोगे आप, और इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2
की पावर टू, टू की पावर टू, हाउ इट कैन बी रिटन एज, तो किस तरह से लिख सकते हैं? क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ओके ठीक है। हाउ वी कैन राइट दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, टू की कितनी पावर में लिख सकता हूं, टू की पावर क्या, टू की पावर क्या, और यहां पे टू की पावर क्या, व्हाट शुड बी द पावर, टेल मी। टू की पावर 16, राइट। कैसे भाई, यहां से स्टार्ट करेंगे। टू की पावर टू क्या होता है, टू इंटू टू यानी कि फोर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टू की पावर टू, और दिस इज टू की पावर टू यानी कि फोर। उसके बाद टू की पावर फोर, इसको मैं लिख सकता हूं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी कि चार बार, तो दिस विल बी 16 यानी कि दो की पावर 16। नेक्स्ट वन टू की पावर 8, राइट। यहां पे देखो ब्रैकेट लगा है, यही मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जब भी ब्रैकेट लगा होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू यानी कि इस तरह से, तो दिस विल बी टू की पावर 8, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज एक्सपोनेंशियल टर्म्स। चलो नाउ ये हो गया, और उसके बाद x इंटू वाई टू द होल पावर n, अगर इस तरह से हमारे पास कोई टर्म है लाइक 2 इंटू थ्री टू द होल पावर 7, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं लाइक दैट, 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7। ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें। उसके बाद x टू दी पावर माइनस n, यानी कि पावर कभी भी माइनस में होगी तो कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब जैसे 2 की पावर माइनस 5 है, राइट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 5, 1 अपॉन 2 की पावर 5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी। उसके बाद एक्स अपॉन वाई टू दी पावर एन, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 अपॉन 3 टू दी पावर 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 अलग, 3 की पावर 5 अलग, इस तरह से इसको अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद x टू दी पावर 1 बाई एन, देखो x टू दी पावर 1 बाई एन, दिस विल बी रूट एक्स टू दी बेस एन, यानी कि 64 टू दी पावर 1 बाई टू, अगर पावर आप आपकी 1 बाई टू, 1 बाई थ्री, 1 बाई फोर इस तरह से है, तो आप क्या करोगे, यहां पे पावर अगर 1 बाई टू है तो यानी कि n का वैल्यू क्या है, यहां पे जरा देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इज 2, तो यहां पे बाहर क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, यानी कि आपको दो दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। यहां पे 64 के दो पेयर क्या बनेंगे, 64 के दो नंबर्स के पेयर क्या बनेंगे, 8 इंटू 8 यानी कि दिस विल बी 8, एक तरह से क्या है, स्क्वायर रूट ही तो है और कुछ थोड़ी है, ठीक है। आगे 125 टू दी पावर 1 बाई 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125, यहाँ पे तीन तीन नंबर्स के पेयर बनाने हैं हमको, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर विल बी 5। अच्छा बताइए जरा, 343 टू दी पावर 1 बाई 3, तो व्हाट विल बी द आंसर बताएं, 343 टू दी पावर 1 बाई 3,
क्लियर हो गया, ओके ठीक है। चलिए इसको बताइए फिर मुझे, 343 to the power 1/3, हाउ वी कैन राइट। हाँ सेवन, ओके, यानी कि ये क्या है भाई, इट कैन बी रिटन एज 7 × 7 × 7। ठीक है, तो यानी कि ये चीज समझ में आप लोगों को आ गई है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे कल, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल टर्म। तो गिवन एक्सपोनेंशियल टर्म का जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है, किस तरह से निकाला जाता है, तो इसको मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा बताइए, 2 की पावर 4, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट। तो आप बोलोगे भाई 2 की पावर 4 तो 16 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, तो इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज 6। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को फिर मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए 2 की पावर 144, तो आप बोलोगे भाई 2 की पावर 144, इसमें तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, कब तक करते रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंशियल पावर्स बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम किस तरह से यूनिट डिजिट फाइंड करें, हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट। 6, ओके। देखो इसके लिए हमारे पास जो तरीका है दैट इज साइक्लिसिटी एंड पावर साइकिल। साइक्लिसिटी एंड पावर साइकिल का हमारे पास तरीका है कैसे, देखो अगर मैंने 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 7 तक ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स लिख दिए, यू नो 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, तो इस तरह से मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी। अगर मैंने ध्यान से देखा तो इनका जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, दैट इज 3 9 7 1 3 9 7। अब जरा इसको ऑब्जर्व करिए ध्यान से, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिए ध्यान से कि 3971, 3971, ये क्या कर रहा है, टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, जो टर्म है ये तीन टर्म 3971, 3971, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं हर चार टर्म्स के बाद। जैसे कि इसको देखिए, 3 4 टर्म्स के बाद फिर से आ जा रहा है, 9 4 टर्म्स के बाद फिर से आ जा रहा है, 7 फिर से आ जा रहा है, 1 फिर से आ जा रहा है, यानी कि ये क्या है, साइकिल रिपीट कर रही है बार बार, चार नंबर्स की बार बार साइकिल रिपीट कर रही है, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी। कितने नंबर की साइक्लिसिटी है, 4, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है, दैट्स वाई 3 की जो साइक्लिसिटी है, नंबर क्या है हमारे पास 3, उसकी साइक्लिसिटी क्या है 4। अभी जो टर्म्स जो बार बार रिपीट कर रहे हैं 3971, इसको हम बोलते हैं पावर साइकिल, ये लिखा है ना 3971, दिस इज कॉल्ड पावर साइकिल। नेट के लिए यूट्यूब पे क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे, जल्दी नेट के लिए भी स्टार्ट करेंगे हम, अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ है इस वजह से वो क्लास नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वैसे ही 4 की बात करूंगा, अगर हमारे पास 4 है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4, लास्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 4, लास्ट डिजिट 6, यानी कि यहाँ पे 4 6 4 6 4 6 बार बार रिपीट कर रहा है हर दूसरे नंबर के बाद, दैट्स वाई द साइक्लिसिटी ऑफ 4 विल बी 2।
फोर की साइक्लिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, टू हो जाएगी, इसलिए टर्म बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो एक क्वेश्चन से हम देखते हैं, जैसे कि ये सवाल, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 93 टू द पावर 139। तो जिस जिसको इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में और इसका पोल में कर देता हूँ, उसमें आंसर करें और फिर उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे कल। चलिए, टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 93 टू द पावर 139। ओके, ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। 93 टू दी पावर 139, जब भी इस तरह का आपको टर्म देखे ना, आप उसमें बस केवल इतनी चीज देखो कि इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज 3, पावर कितना है 139। आगे के कोई भी कुछ भी नंबर हो, आगे कुछ भी लिखा हो, मान लो ऐसे लिखा है 193 और आगे कुछ और भी लिखा है 999, कुछ भी लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? केवल लास्ट डिजिट से, यानी कि 3 से। Now, we will talk about cyclicity. What is the cyclicity of 3? 3 का जो cyclicity है, अभी हमने बात करी थी कितना है? 4. Cyclicity of 3 is 4 and the power cycle is 3971. 3971. साइक्लिसिटी इज 3। करना क्या है अब हम, सॉरी, साइक्लिसिटी इज 4, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हम इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से हम डिवाइड करेंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम उसकी पावर के पास आ रहे हैं धीरे धीरे। कैसे कैसे? चार चार जंप लगा के, 3971 चार की जंप, फिर 3971 चार की जंप, क्योंकि ये नंबर बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो लेट्स सी कि हम कहां तक पहुंच जाते हैं। यानी कि हमने चार चार की 34 जंप्स लगा ली हैं, लेकिन अभी भी हम 3 स्टेप्स दूर हैं। तो जो भी इसका रिमाइंडर होगा, अगर रिमाइंडर इसका 3 है, यानी कि इसका जो थर्ड पावर साइकिल है, दैट विल बी द लास्ट डिजिट। जस्ट वी हैव टू चेक द रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 3 होगा, देन द थर्ड पावर साइकिल विल बी द लास्ट डिजिट। अगर रिमाइंडर 2 होगा, तो सेकेंड पावर साइकिल विल बी द लास्ट डिजिट। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो 3, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है। तो जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यही चार रिमाइंडर आ सकते हैं, 0, 1, 2 या 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो 7 विल बी द आंसर। बिल्कुल सभी चीज का क्लास होगा बैक टू बैक, डोंट वरी, टू डिजिट नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा और उसके भी हम क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है, समझ गए नहीं? चलिए, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन करिए। क्रिस्टल क्लियर, ओके।
ऑप्शन नंबर थ्री, ओके, ऑप्शन नंबर थ्री। आपको बस लिखना चाहिए 8 की पावर 87, और उसके बाद साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज 4। चार ही ऐसी टर्म है जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, एक तो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये चार जो टर्म्स है इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। जो भी इसकी पावर है इसको इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं एंड वी विल गेट 3 एज ए रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 3 है इसका मतलब 8 का जो थर्ड पावर साइकिल है दैट विल बी द लास्ट डिजिट। 8 का फर्स्ट पावर साइकिल 8, 8 का सेकंड पावर साइकिल 4, और थर्ड पावर साइकिल हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 विल बी द लास्ट डिजिट। ठीक है, तो फोर्थ पावर साइकिल इज 6, 8, 4, 2 एंड 6। 8 का पावर साइकिल है दैट इज 8, 4, 2 एंड 6। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा यूनिट डिजिट निकालने का तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी को कुछ अलग तरीके से पूछ सकता है, पूछेगा लास्ट डिजिट ही, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। कैसा हो सकता है अभी उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अगर रिमाइंडर 0 होगा देन द लास्ट डिजिट विल बी 6, तब उसका जो लास्ट पावर साइकिल है दैट विल बी द यूनिट डिजिट। जब भी किसी टर्म को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो उसकी चार ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। कभी भी रिमाइंडर 4 या उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना। अगर 4 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम उसको एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 2023 चल रहा है, उसी का ही सवाल है। 2023 टू दी पावर 2023 व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट? ऑप्शन नंबर 3, ओके, ऑप्शन नंबर 3 का मतलब 7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब आपका आंसर 7 आ रहा है। देखो 2023 है, इसका मतलब 3 की पावर 2023। साइक्लिसिटी ऑफ 3, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज अगेन 4। 2023 इज डिवाइडेड बाई 4, 2, जीरो एंड देन 3। सो द रिमाइंडर विल बी 3। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है यानी कि 3 की जो थर्ड पावर साइकिल है, 3 की फर्स्ट पावर साइकिल 3, 3 की सेकंड पावर साइकिल दैट विल बी 9, थर्ड पावर साइकिल 7 एंड फोर्थ पावर साइकिल। हमको तो थर्ड पावर साइकिल चाहिए, यानी कि 7 विल बी द आंसर। बहुत ही आसान है तरीका निकालने का। समझ गए ना ये तो चीज? चलो अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तब हम क्या करेंगे।
अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो हम क्या करें? किस लिए है? चलो, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्योंकि तो क्वेश्चन है वही, यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट निकालना है हमको, उसी से ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका कुछ इस तरह से। करिए जरा। कह रहा है कंसीडर द सेट ऑफ द नंबर 8 1 8 टू द पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 अप टू 8 की पावर 400। जस्ट अ सेकेंड। इसको आप लोग कर लो 8 की पावर 450। ये 450 था, 450। ठीक है, दिस इज 450। चलिए करिए। पी ओके। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर द सेट ऑफ द नंबर 8 की पावर 1 2 3 अप टू 8 की पावर 450। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर एंड विद द डिजिट 4, यानी कि इनको अगर मैं देखूं तो कितने ऐसे टर्म्स बनेंगे 8 की पावर 1 से लेके 8 की पावर 450 तक जो कि 4 से एंड होंगे। यानी कि एक तरह से क्या है, 8 की पावर साइकिल ही तो चल रही है भाई। 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 यानी कि 64, 64 का लास्ट डिजिट 4, 8 की पावर 3 यानी कि एक तरह से 8 की पावर साइकिल है, तो 8 की थर्ड पावर साइकिल क्या हो जाएगी 2, और 4th पावर साइकिल हो जाएगी 6। यानी कि यही जो लास्ट डिजिट है बार 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 रिपीट करते रहेंगे कहाँ तक, 8 की पावर 450 तक, क्योंकि इसकी जो साइक्लिसिटी है दैट इज 4। अब देखो हमसे कह रहे हैं लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो लास्ट डिजिट इन 4 नंबर के सेट में एक बार आ रहा है, तो ऐसे 4 4 नंबर के कितने सेट बन जाएंगे हम वो काउंट कर सकते हैं बताइए। 450 पावर है इसकी और 4 इसकी साइक्लिसिटी है, तो बताइए 4 4 नंबर के कितने सेट बन जाएंगे, हाउ मेनी सेट्स विल बी देयर। वन 112 सेट बन जाएंगे। हर एक सेट में 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 112 में कितनी बार आएगा, 112 बार आएगा। लेकिन जरा ध्यान देना है यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे जो रिमाइंडर है दैट इज 2, यानी कि अभी हम 2 स्टेप और चल सकते हैं, यानी कि अभी पावर कहाँ तक खत्म हुई है, पावर खत्म हुई है 8 की पावर 448, 448 तक हमने अभी पावर को खत्म किया है, रिमाइंडर अभी 2 बचा है, पावर 449 और 450 बाकी है। अब आप देखो 449 कहाँ पे आएगी, 8 की पावर 449 यहाँ पे आएगी, 8 की पावर 450 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी,
यहाँ पे दो रिमाइंडर बचा है ना, एक एक करके चलना पड़ेगा, पहले ये दूसरा ये, यानी कि फोर एक बार और आएगा, यानी कि कुल जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट डिजिट फोर विल बी 113, 113 बार आएगा, ऑप्शन नंबर टू। इस बात का यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन नंबर वन होता, लेकिन अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो होता, या तो रिमाइंडर अगर यहाँ पे या तो जीरो होता या हमारा रिमाइंडर यहाँ पे वन होता, तो वन होता तो एट तक ही खत्म हो जाती बात, और अगर जीरो होता तो हमारी पहली बात खत्म हो चुकी होती, यानी कि 112 बार ही होता तब। लेकिन यहाँ पे टू रिमाइंडर है, यानी कि दो स्टेप और चलने पड़ेंगे अप टू फोर, यहाँ पे फोर आ रहा है फिर से, यानी कि एक बार और आएगा 113 टाइम्स। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। तो इसी बात की थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना है एग्जाम में, कि यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस भी होंगे, 112, 113, 114 कॉन्सिक्यूटिव ऑप्शंस आ जाए। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन किया था 17 की पावर 1, 2, 3 वाला, उसमें 75 नंबर्स आ रहे थे क्योंकि वो कम्प्लीटली डिविजिबल था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है तो उस चीज़ का ध्यान देना, जहाँ भी रिमाइंडर आएगा हो सकता है वो एक बार और बार यहाँ पे रिपीट हो रहा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ओके चलो, ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट से। अब हम क्वेश्चन करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एलसीएम की एंड एचसीएफ की, अगर हमारे पास दो नंबर है, वी हैव टू नंबर्स, दैट इज एक्स एंड वाई। अगर दो नंबरों का हमको एलसीएम पता है, वी नो द एलसीएम एंड वी नो द एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी है कि दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एच सी एफ। दोनों नंबरों के जो प्रोडक्ट हैं वो एलसीएम और एच सी एफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखें। अगर कभी भी आपको एक नंबर दिया गया है और उनका एलसीएम और एच सी एफ दे रखा है और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जैसे कि ये द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 16, इफ वन ऑफ द नंबर इज 128 देन वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो वो ये प्रॉपर्टी है सिंपल सी, हमें वो अगर याद है, अच्छे से पता है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बताओ व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन बी, ओके, यानी कि 240। और बताइए भाई, सभी लोग आंसर करें, यहाँ पे ऑप्शन टू पे आंसर आ रहा है सबका। ओके तो एलसीएम इज 1920 एंड एचसीएफ इज 16,
तो एक नंबर 128 दे रखा है और दूसरे नंबर को मैं मान लेता हूँ y, सेकेंड नंबर इज y, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस y, y विल बी 1920 इनटू 16 डिवाइडेड बाय 128, तो दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, 240, जो दूसरा नंबर है दैट शुड बी 240, ठीक है। तो इसको याद रखें प्रॉपर्टी को, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आपसे कहेगा भाई बताइए द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस इज, बताइए भाई। हमसे क्या कह रहा है भाई, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54, यानी कि इन चार नंबर की अगर मैं बात करूं, कह रहा वो क्या होगा छोटे से छोटा नंबर अगर मैं इन नंबर्स को उससे डिवाइड करूं तो मेरे पास 4 रिमाइंडर आना चाहिए हर केस में, व्हाट विल बी दैट नंबर। जब भी छोटे से छोटा नंबर पूछे ना, इसका मतलब वो एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे छोटे से छोटा नंबर अगर मैं उस नंबर को इन चारों नंबर से डिवाइड करूं एक एक करके, तो हमेशा चार रिमाइंडर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर फोर, ओके। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, एलसीएम लेना तो आता है, एलसीएम लेना तो सबसे आसान है। क्या वो नंबर है जिससे ये चीज, यानी कि ये जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे कि टू है, टू से कैंसिल कर सकते हैं, दिस शुड बी, ठीक है, तो इस तरह से आप एलसीएम लें एंड दिस विल बी 5, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 20 एंड 27, दिस विल बी 540, यानी कि 540 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों नंबरों से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको पूरी तरह से डिविजिबल नहीं बताने हैं, हमको ये बताना है कि ऐसा नंबर बताइए जिसमें हमेशा चार एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर चार तो तब रहेगा ना जब इसमें एक एक्स्ट्रा चार होगा भी, और इसमें प्लस कर दो, यू विल गेट 544। तो अब एक एक करके चारों नंबर से अगर डिवाइड करोगे, यू विल गेट 4 एज द रिमाइंडर, जस्ट टेक द एलसीएम एंड जो भी नंबर पूछ रहा है कि रिमाइंडर जो भी आना चाहिए, दैट यू हैव टू एड इन दैट एलसीएम, उसमें आप उसको प्लस कर दो, यू विल गेट दैट नंबर।
ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से सेम कॉन्सेप्ट पे कह रहे थे, ट्रैफिक लाइट एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 24 सेकेंड, 36 सेकेंड्स एंड 54 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10:15 AM देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर वो 10:15 पे वो तीनों के तीनों जो लाइटें हैं वो चेंज होती हैं, तो बताइए अगला कौन सा वो समय होगा जब इसकी जो लाइटें हैं वो हमारी चेंज होंगी। यू हैव टू फाइंड दैट। तो वो समय बताना है, वो जो कॉमन टाइम है जब सारी की सारी लाइटें एक साथ चेंज होंगी। तीनों लाइट्स 10:15 पे चेंज हो रही हैं, उसके बाद नेक्स्ट कब चेंज होगी हमको बताना। देखो 10:15 पे सबसे पहले तीनों लाइटें एक साथ चेंज हो रही हैं, और हमसे कह रहा है कि जो फर्स्ट लाइट है दैट इज उसका जो टाइमिंग है चेंज होने का दैट इज आफ्टर एवरी 24 सेकेंड्स, सेकेंड लाइट 36 सेकेंड एंड थर्ड लाइट आफ्टर एवरी 54 सेकेंड्स। यानी कि अगर एक साथ देखा जाए तो कितने टाइम इंटरवल के बाद ये तीनों लाइटें एक साथ बार बार ये चेंज होंगी। जस्ट टेक द LCM, वो कॉमन टाइम, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कॉमन टाइम जिस टाइम के बाद ये बार बार ये तीनों लाइटें एक समय पे ही चेंज हो रही हैं, दैट विल बी द LCM ऑफ दीज इंटरवल। इन जो इंटरवल्स हमको दे रखे ना 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड, इनका हम LCM लेते हैं। यानी कि 216, 216 सेकेंड। यानी कि हर 216 सेकेंड बाद ये तीनों जो सिग्नल्स हैं, जो तीनों जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, अपने जो कलर हैं वो चेंज करती हैं। ठीक है, हर 216 सेकेंड बाद। अब भाई 216 सेकेंड के अंदर कितने मिनट्स होंगे, 60 सेकंड का एक मिनट है, तो यानी कि 3 मिनट, 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड, और बाकी कितने बचे 36 सेकंड। 3 मिनट 36 सेकंड के बाद तीनों जो लाइट से चेंज हो जाएंगी, यानी कि 10:15 से स्टार्ट करेंगे, 10:15, 16, 17, 18, यानी कि 10:18, 36 सेकंड, 10:18, 36,
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है कि भाई कितने समय के बाद क्या है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं पूछ रहा कि कितने समय में इतना रिमाइंडर आना चाहिए। इसमें सिंपली हमको एलसीएम लेना है और जितना भी टाइम आ रहा है उसमें उस पर्टिकुलर टाइम जब तीनों एक साथ अपना कलर चेंज कर रही हैं उसमें हमें इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो बस, और ये लास्ट क्वेश्चन कर लो भाई, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई सच दैट वाई इंटू 162 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमको क्या बताना है, एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। वाई की किस वैल्यू पे, वाई की किस वैल्यू पे ये जो नंबर है दैट शुड बी अ परफेक्ट क्यूब। करिए, बहुत आसान है। हाँ, एलसीएम हम लेंगे लेंगे जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाले, यानी कि कम से कम कितना समय बाद, कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा कब होगा, कितने समय बाद ऐसी चीज़ें होंगी, यानी कि एक इंटरवल की बात होगी। जब भी जब इंटरवल की बात होगी तब हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, एक परफेक्ट क्यूब बताना है, वी हैव टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब। अब एक काम करो, पहले 162 के अगर आप फैक्टर करोगे यू विल गेट 2, दिस विल बी 81। 81 का मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 4। तो 162 के अगर आपने फैक्टर करे आपको ये मिल गया। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर का क्यूब लिखा जा सके। अब देखो, क्यूब तो मैं तब लिखूंगा ना जब तीन तीन नंबर के पेयर बनेंगे। यहाँ पे बन रहा है 3 3 3, ठीक है भाई, एक पेयर बन गया। यहाँ पे बाकी भी पेयर बनने चाहिए। अब टू लिखा है, जैसे कि यहाँ पे दो टू और होने चाहिए तभी तो पेयर बनेगा तीन नंबर्स का। और तीन लिखा है यानी कि एक पेयर यहाँ पे थ्री का भी बनना चाहिए, और यानी कि दो थ्री और होने चाहिए। तो इतनी नंबर्स की यहाँ पे शॉर्टेज है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी 2 × 2 × 3 × 3, तभी ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, दिस विल बी 4, दिस विल बी 9, यानी कि 36, इट शुड बी 36। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, 36। ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता है भाई। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना है, आपको दो दो नंबर के पेयर आपको ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि दो दो नंबर, जैसे कि ये नंबर है 2 × 3 × 3 × 3 × 3। इसमें अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछता तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, टू का पेयर नहीं बन रहा यानी कि एक टू और चाहिए यहाँ पे, तब वाई का वैल्यू क्या हो जाता, तब वाई का वैल्यू होता केवल यहाँ पे 2। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह से सवाल आ सकते हैं। और ये एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है नंबर सिस्टम के अंदर। तो एक बार इसको देख लेना, और इसका जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से उठा लेना। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ किसी ड्राइव में नहीं मिल रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे एप्टीट्यूड चैनल का, आईपीएस एप्टीट्यूड चैनल को
वहाँ पे जाइए और आपको उस ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा डेली, ठीक है। तो बस आज का क्लास इतना ही था, नंबर सिस्टम एक बार इसको देख लेना और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ जाना 11:15 पे, डेली क्लास आपका यहाँ पे रहेगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ जो नए टॉपिक्स हैं उनको भी देखिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं इन अपकमिंग सेशंस, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, ऐसे ही ज्वाइन होते रहिए टिल योर एग्ज़ाम्स, हम यहाँ पे बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 15 नंबर आपके एप्टीट्यूड में कहीं भी नहीं गए, पीडीएफ नहीं है अवेलेबल। आप ग्रुप पे देखो, देखो वहाँ पे दो, एक तो चैनल है एक आपका ग्रुप है, ये ग्रुप में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाता है, वहाँ पे पीडीएफ है आप देखिए। तो लास्ट लेक्चर का पीडीएफ यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ पे सेशन पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले के जितने भी सेशंस हुए सारे के सारे आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे, आज के सेशन का भी मिल जाएगा विद इन 1 आवर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ओके ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वो भी हम अपकमिंग क्लास में करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत समय हमारे पास, आराम से बैठ के पढ़ेंगे, आराम से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस।